हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नम्रता। मेरे चैनल नम्रता कुकिंग डायरी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बहुत क्रीमी, बहुत टेस्टी बना है ये, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने पास्ता लिया, ये हमने लंबा शेप वाला पास्ता लिया, आप कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं इसमें। और सब्जी में हमने ये 6-7 कली लहसुन को बारीक काट के ले लिया है। लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और एक मीडियम साइज की प्याज को हमने इस तरह से काट लिया, थोड़ा बड़ा टुकड़ा में हमने काटा है। कैप्सिकम और गाजर, गाजर को भी हमने थोड़ा बड़ा टुकड़ा में काटा है और कैप्सिकम को भी। व्हाइट सॉस बनाने के लिए 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, 1 कप हमने दूध लिया है, 25 ग्राम लगभग हमने बटर लिया है, चिली फ्लेक्स आधी छोटी चम्मच, मिक्स्ड हर्ब आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम पहले पास्ता को बॉईल करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, नमक और हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल। तो पानी में बॉईल आने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें पास्ता डालेंगे। तो पानी को उबलने देते हैं थोड़ा। ये देखिए पानी में उबाल आ गया, तो हमने ये जो पास्ता लिया है पास्ता डाल देंगे। तो हम इसे उबलने देते हैं, 3 से 4 मिनट हम उबालेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। ये देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो गया है, हम इसे चेक कर लेंगे हुआ है या नहीं। ये देखिए ये अच्छे से हो गया है, पक गया है ये। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 2 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा गर्म हो गया तो हम पहले लहसुन डाल देंगे इसमें। लहसुन हमारा थोड़ा पक गया है तो हम बाकी का सब्जी डालेंगे इसमें, प्याज, गाजर और कैप्सिकम। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसे भून लेंगे। ये देखिए हमारा ये सब्जी जो है पक गया है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सेम कढ़ाई में हम सॉस बनाएंगे। तो हमने जो बटर लिया है बटर डाल देंगे इसमें। अब हम डाल देंगे ये मैदा, इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो मैदा में लम्स आ जाएगा। तो हम लो फ्लेम पे 1 मिनट तक लगभग भून लेंगे लगातार चलाते हुए। 1 मिनट लगभग हमने भून लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा। तो हम इसमें डालेंगे दूध। तो पहले हम आधा दूध डालेंगे इसमें और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा व्हाइट सॉस बनके तैयार है। तो हमने ये जो पास्ता बॉईल करके रखा है पास्ता डाल देंगे इसमें, और ये सब्जी को हमने जो फ्राई करके रखा है ये भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रीमी पास्ता हमारा बनके तैयार है। तो हम इसे सर्व कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा चीज डाल देंगे इसमें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी और क्रीमी पास्ता बनके तैयार है। तो एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।